नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन। दोस्तों, माँ बनना हर औरत का सपना होता है। गर्भधारण के बाद का अनुभव किसी भी महिला की जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव होता है। इसके अलावा सबसे अहम बात ये है कि गर्भधारण करने के बाद हर पति और पत्नी के मन में ये जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग कई ऐसे उपाय बताते थे जिससे गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता चल सके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि गर्भधारण के बाद शिशु के लिंग निर्धारण से जुड़े तथ्य और मान्यताएं, जिनका की कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, क्या ये सही हैं या गलत। आइए बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली मान्यता से। पहली मान्यता, गर्भ को देखकर ही बच्चे का लिंग पता लगाया जा सकता है। मित्रों, घरों में अक्सर ऐसी बात आपने अपनी दादी नानी या माँ के मुंह से सुनी होगी कि नीचे की ओर झुका हुआ पेट दिखे तो लड़का होगा और अगर ऊपर की ओर उठे तो लड़की होगी। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि महिलाओं के गर्भ का आकार उनके पेट और मांसपेशियों की बनावट के आधार पर बढ़ता है। कई बार जुड़वा बच्चों या गर्भ में बच्चे की अवस्था के अनुसार भी पेट का आकार बदल सकता है, लेकिन किसी भी कारण से बच्चे का लिंग निर्धारण पेट के आधार पर नहीं होता है। दूसरी मान्यता, गर्भावस्था में ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना। कुछ बड़े बुजुर्ग ये मानते हैं कि यदि महिला गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा समय तक आराम करती रहती हैं, उसके शरीर में आलस भरा रहता है और किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती, बस दिन भर सुस्ती आती रहती हैं, तो लड़का होगा। लेकिन डॉक्टर इस मान्यता से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके अनुसार शरीर में ऐसा बदलाव हार्मोन्स में होने वाले घटत बढ़त का परिणाम है, इसके आधार पर लिंग निर्धारण नहीं हो सकता। तीसरी मान्यता, गर्भवती माँ के चेहरे से पता पड़ सकता है बच्चा होगा या बच्ची। दोस्तों, आपने कई बार घर के बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि गर्भावस्था के बाद जिन महिलाओं के चेहरे पर अधिक ग्लो होता है उन्हें लड़की होगी। ये बिल्कुल निराधार है। गर्भावस्था के दौरान खान पान व हार्मोन्स बदलाव की वजह से त्वचा और चेहरे में बदलाव दिख सकता है। चौथी मान्यता, गर्भावस्था में मुहासों से बच्चे का लिंग पता चल सकता है। ऐसा मानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अगर मुहासे होते हैं तो उन्हें बेटी होगी। इसका भी कोई वैज्ञानिक प्रमाणीकरण नहीं है। ये सब केवल गर्भावस्था के दौरान होने वाले आंतरिक परिवर्तनों का नतीजा है या फिर ज़्यादा चिकनाई युक्त भोजन करने का परिणाम हो सकता है। इसके आधार पर गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का निर्धारण करना सिर्फ अंदाजा लगाना ही है। शरीर के तापमान के आधार की मान्यता। शरीर के तापमान के आधार पर भी ऐसा कहा जाता है कि यदि गर्भावस्था के दौरान महिला ठंडा महसूस करती है तो लड़का होगा और अगर शरीर में गर्माहट महसूस करती है तो लड़की हो सकती है। खाने के तलब की मान्यता। हर गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी में अलग अलग तरह की खाने की इच्छा होती है, लेकिन अगर किसी महिला को मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने का मन करता है तो इसका मतलब लड़की होगी। ठीक इसके विपरीत अगर खट्टा या नमकीन खाने की इच्छा होती है तो लड़का होगा। दोस्तों, दरअसल ये सब मान्यताएं हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ना ही ये प्रमाणित बातें हैं कि ऐसा ही होगा। ये केवल अंदाजा है। हो सकता है संयोगवश ऐसा ही हो जाए या ऐसा ना हो। ये केवल संभावना व्यक्त करने वाली मान्यताएं हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसी के साथ चैनल पर नए आने वाले सभी मेहमान आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे चैनल की नई वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।